हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक अमेजिंग जगह जो मुंबई से सिर्फ 3 घंटे दूर है। यहाँ पर बीचेस हैं, हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, ये इतनी सुंदर स्ट्रीट्स हैं एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि यहाँ के सारे अट्रैक्शंस में कोई भी एंट्री फी नहीं है। सो वेदर यू आर अ हिस्ट्री बफ, बीच बम और अ फूडी एडवेंचरर, दिस प्लेस हैज इट ऑल। मैं बात कर रही हूँ दमन की, विच इज एन यूनियन टेरिटरी एंड द कोस्टल पैराडाइज राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट हाउ टू रीच दमन। दमन से जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है वापी रेलवे स्टेशन, और मुंबई से आपको एवरीडे वापी की बहुत सारी ट्रेन्स मिल जाएगी। वापी रेलवे स्टेशन पर ही शेयरिंग टैक्सीज हैं जो 40 रुपीज में दमन पहुंचा देगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली वापी से दमन अपनी होटल जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑटो या टैक्सी लेनी होगी, एंड इन दैट केस कोई फिक्स प्राइस नहीं है। वन टिप हियर इज, हो सके तो थोड़ा बार्गेन कर लेना। इफ यू वांट सजेशन फॉर गुड होटल्स इन दमन, देन कीप वॉचिंग द वीडियो। दमन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज नानी दमन एंड द अदर इज मोटी दमन। नाम पे मत जाना क्योंकि मोटी दमन काफी छोटा है नानी दमन से, लेकिन मोटी दमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दमन। दमन उतना बड़ा नहीं है तो सिर्फ वन नाइट स्टे करके आप पूरा दमन घूम सकते हैं, और अगर घूमना नहीं है तो भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू एंजॉय एंड रिलैक्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दमन के लोकेशन की वजह से ये एक परफेक्ट प्लेस बन गई थी पोर्चुगीज के लिए फॉर ट्रेड एंड मरीन एक्टिविटीज, और इसीलिए दमन काफी सालों तक पोर्चुगीज के रूल में था एंड मोटी दमन में आपको इसका बहुत इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। मोटी दमन के फोर्ट की बात करें तो हमें ये बाकी इंडिया के जो फोर्ट्स हैं उनसे काफी अलग लगा। यहाँ पर कोई राजा के बड़े बड़े रूम्स या फिर उनके कलेक्शंस नहीं थे, यहाँ पर कुछ ऐसे यूनिक पोर्चुगीज एलिमेंट्स थे। पहले के टाइम में ऐसा था कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारा वेजिटेशन ग्रो किया जाता है। इस फोर्ट को देख के लग रहा था जैसे आज भी यहाँ लोग रह रहे हैं। फोर्ट के एंड में 2 लाइट हाउस है एंड यहाँ से मोटी दमन बीच का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। यहाँ पर एक डोमिनिकन मॉनेस्ट्री भी है लेकिन वो काफी रुइंड हो चुकी है। फिर भी जितना भी पार्ट इस मॉनेस्ट्री का बचा था उससे थोड़ा बहुत पता चल रहा था तब के कल्चर के बारे में। मोटी दमन में वॉक करके एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आया हमें, क्योंकि यहाँ के स्ट्रीट्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। कलरफुल वॉल्ड बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल चर्च, काम एंड क्लीन स्ट्रीट्स, मोटी दमन इज ट्रूली वन वेरी प्रिटी लिटिल साइड ऑफ दमन। मोटी दमन में गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट हाउस, स्कूल है, और नानी दमन एक पूरा रेसिडेंशियल साइड है दमन का। यहाँ पर भी नानी दमन फोर्ट है जो कि मोटी दमन फोर्ट से काफी छोटा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाला फोर्ट आप स्किप कर सकते हैं। इस फोर्ट की एंट्री के पास में ही देयर इज अ नाइस गार्डन जहां से आप दमन गंगा नदी के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप एक रिलैक्सिंग वीकेंड एंजॉय करने आ रहे हैं तो दमन के बीचेस आर नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। यहाँ के हर एक बीच एक दूसरे से बहुत अलग है, और हर एक बीच पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जैसे कैमल राइड, हॉर्स राइड या फिर वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि जेट्स की जैसी एक्टिविटीज हो ही रही होती है। मोटी दमन बीच और नानी दमन बीच के अलावा यहाँ पर 2 और पॉपुलर बीच है, जामपोरे बीच और देवका बीच। जामपोरे बीच इज वन ऑफ आर फेवरेट बीच क्योंकि एक तो यहाँ की मिट्टी काफी अलग थी और दूसरा ये काफी फ्लैट बीच है,
तो पानी में काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं विदाउट वरिंग। एंड ये इतना बड़ा बीच था कि भीड़ होने के बाद भी बहुत शांति थी बीच पे। दिस इज़ वन सच बीच जो आप दमन जाके बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देवका बीच इज क्वाइट ऑपोजिट, क्योंकि ये पूरा बीच स्टोन से कवर्ड है। अगर आप लो टाइड के टाइम जाते हैं तो यहाँ पर पानी तक जाने के लिए मुश्किल हो सकती है। होटल्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छे 5-स्टार लग्जरी होटल्स भी है और साथ में बजट फ्रेंडली अच्छे 3-स्टार होटल्स भी है। इन होटल्स का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वापी में स्टे करके दमन जाना चाहते हैं तो वापी के कुछ अच्छे होटल्स का नाम भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। दमन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी रेंट करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आसपास में ही है। स्कूटी रेंट के चार्जेस 400 से 500 रहते हैं। एंड अगर आप लोकल ऑटो से ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नानी दमन से ऑटोज मिल जाएगी। दमन गुजरात की कोस्ट लाइन पे सिचुएटेड है एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर नॉन वेज एंड सी फूड के रेस्टोरेंट्स बहुत फेमस है। लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेज खाना पसंद करते हैं तो कुछ अच्छे वेज रेस्टोरेंट्स का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप दमन में शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिदारे दमन होटल के ऑपोजिट कपड़ों के काफ़ी शॉप्स हैं, और बाकी आइटम्स के लिए महाराजा मार्केट है दमन में, वहाँ जा सकते हैं। लोकली महाराजा मार्केट को दुबई मार्केट, म्यूनसिपल मार्केट या फिर चाइना मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट दमन इज फ्रॉम अक्टूबर टू फेब्रुअरी, लेकिन मार्च से मई के मंथ में भी दमन बेस्ट बजट बीच डेस्टिनेशन है विजिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ मेन कॉस्ट होटल और फूड का ही है। अगर आपको दमन की एक प्रॉपर आइटिनरी चाहिए तो डू लेट अस नो इन कमेंट्स। हमने चैनल पर हमारी दमन ट्रिप का व्लॉग अपलोड किया है जिसमें वी शेयर्ड आवर एक्सपीरियंस ऑफ दमन। इसके अलावा दमन की किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आस्क अस इन कमेंट्स। And if you like this video, give it a thumbs up and channel को subscribe करना ना भूलें।